अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ दानिश अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख्वाबों की ताबीर। उम्मीद करता हूं सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को दिली मकासद को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में पानी में तैरते हुए देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में पानी पे तैरना, ख्वाब में दरिया में तैरना, समंदर में तैरना, खुशी में तैरना वगैरह, ये इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं। ख्वाब में अपने आप को पानी में तैरते हुए देखना दुनिया का माल इकट्ठा करने और फ़ायदा हासिल करने की अलामत है। अगर जद्दोजहद कोशिश और मेहनत से अपने आप को तैरते हुए देखता है तो मुश्किल के साथ माल हाथ में आने की दलील है। ख्वाब में तैरते हुए देखना, ख्वाब में तैरते हुए देखना पानी में गिर जाना, मतलब ख्वाब में ख्वाब देखने वाला देखता है कि वो पानी में तैर रहा है और पानी ने उसे घेरा हुआ है, तो मुश्किलात का सामना करने मुसीबत में फंसने की अलामत और दलील है। और अगर आसानी से किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो ये कामयाबी हासिल होने की अलामत और दलील है। ख्वाब में खुश्की में तैरते हुए देखना कैद होना या कैद की तंगी होने की अलामत और दलील है। ख्वाब में अपने आप को दरिया में तैरते हुए देखना हाकिम पर गालब आने, मुश्किल हल होने, जीत कामयाबी और फतह की अलामत है। ख्वाब में समंदर में अपने आप को तैरते हुए देखना हाकिम वक्त से ओहदा पाने, जलील कदर होने और मुमताज़ होने की अलामत है। ख्वाब में किसी और को पानी में तैरते हुए देखना ये भी खैर और बेहतरी की अलामत है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और सवाब की नीयत से शेयर भी कर दें। अगर आप मुझसे कुरान पाक की तालीम हासिल करना चाहते हैं, नाज़रा कुरान पढ़ना चाहते हैं, तर्जमा तफसीर पढ़ना चाहते हैं, नमाज सीखना चाहते हैं, खुद चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम जहाँ की खुशियाँ ता फरमाई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।